दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैजिक नवासर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं NCERT के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के पहले 9 क्वेश्चंस हम इसे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। स्टेटमेंट पढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यानी अगर किसी एपी की 17th टर्म उसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है तो आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसके लिए एज यूजुअल स्टार्टिंग में वहीं से करेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है कि उस एपी की जो 17th टर्म है दैट मीन्स ए 17 इज इक्वल टू वो उसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है मोर यानी प्लस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए 17 इज इक्वल टू ए 10 प्लस 7 ऐसे लिखेंगे। तो फॉर्मूले में लेके ए 17 को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 16D इज इक्वल टू ए 10 को ए प्लस 9D प्लस 7। ए प्लस का उधर जाके माइनस का होएगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 9D को इधर ले आए, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7D इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से जो D की वैल्यू आएगी वो 7/7 कैंसिल आउट होके 1। और यही आपने निकालना था, आपने कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो दस द कॉमन डिफरेंस इज 1। तो मेरे ख्याल से छोटा सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम आने वाली तो बात नहीं है, लगता तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़े, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 5, 16, 29, 27, 39 ये एपी दे रखी है, इस एपी की कौन सी टर्म विच टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी इसकी कौन सी टर्म होगी जो इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे ए कितना है 3, हम डी निकालेंगे a2 - a1 करके 15 - 3 डी आएगा आपका 12। तो आपने जो टर्म निकालनी है हम उसको an मान लेते हैं, लेट an बी द रिक्वायर्ड टर्म। तो क्वेश्चन क्या है कि जो टर्म आपने निकालनी है वो टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an इज इक्वल टू 132 मोर मीन्स प्लस देन 54th टर्म। चलिए हम फॉर्मूला लिखेंगे an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 132 प्लस a 54 की वैल्यू a प्लस 53D। अब पिछले क्वेश्चन की तरह a से a कैंसिल हो जाएगा, 53D प्लस का इधर आगे माइनस का, तो n माइनस 1 इंटू डी माइनस का 53D इज इक्वल टू 132। डी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 12 इंटू n माइनस 1 माइनस 53 इंटू डी की वैल्यू 12 इज इक्वल टू 132। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 12 एन माइनस 12 की 1 से मल्टीप्लाई, 12 माइनस 53 और 12 की मल्टीप्लाई 636 इज इक्वल टू 132। ये दोनों माइनस के उधर जाके दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ से जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से 12 एन आएगा 780 के इक्वल। तो 12 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 780 को 12 से डिवाइड करोगे कैंसिल आउट हो गया आएगा 65। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 65। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12,
two APs have same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? दो APs दे रखी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है और ये कह रखा है कि दोनों APs की 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 और हमने उन दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। यही क्वेश्चन है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 12, तो इसके लिए लेट A, comma D and An be the first term, comma common difference, and nth term An of the nth term of first AP and second AP के A dash comma common difference दोनों का सेम है तो यहाँ पे अगर D लिया है तो यहाँ पे भी हम D ही लेंगे। बाकी टर्म्स इनकी अलग अलग हैं, सिर्फ कॉमन डिफरेंस ही सेम है। A dash comma D and An dash be the first term common difference and nth term of second AP। तो जो first AP है उसकी first term को A मानिए, common difference को D मानिए और nth term को An मान लेते हैं। और सेकंड एपी में क्योंकि डिफरेंस सेम है तो दोनों जगह हमने डिफरेंस का यूज डी से किया है। फर्स्ट टर्म को ए डैश लिया, उस एनएथ टर्म को ए एन डैश। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या कहती है, उनकी जो 100 टर्म है उनका डिफरेंस कितना है 100। पहले वाले की 100 टर्म ए 100 माइनस दूसरे वाले की 100 टर्म A 100 डैश, इसके ऊपर दे रखा है 100 के। तो यहां से सोल्व करें, अब फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, A 100 क्या आएगा, A प्लस 99 D माइनस A 100 डैश, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है A डैश, A डैश प्लस 99 कॉमन डिफरेंस सेम है तो यहाँ पर डी लिखेंगे इज इक्वल टू 100। इसके बाद इसको खोलिए, दिस इंप्लाइज ए प्लस 99 डी माइनस का ए डैश माइनस का 99 डी इज इक्वल टू 100। अब डी दोनों जगह सेम है तो 99 डी प्लस का 99 डी माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएगा। This implies A minus A dash is equal to 100. Equation number 1. यानी यहाँ से रिजल्ट ये निकला है कि जो दोनों की फर्स्ट टर्म है उनका डिफरेंस ही क्या आ रहा है 100। तो आपने निकालना क्या है, What is the difference between their 1000 term? अब according to condition दोनों की 1000 term का डिफरेंस निकालना है। यानी पहले वाली की 1000 term ये 1000 माइनस सेकंड वाले की 1000 टर्म ए 1000 डैश, ये आप इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। यहाँ पर वैल्यू पर करें ए 1000 क्या आएगा, ए प्लस 999 डी माइनस सेकंड एपी की 1000 टर्म ए डैश प्लस ट्रिपल नाइन डी, यहाँ से माइनस करें इज इक्वल टू ए प्लस 999 डी माइनस का ए डैश माइनस का 999 डी,
ट्रिपल आइन डी प्लस का ट्रिपल आइन डी माइनस का, ये किसके कुल आ गया, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, और वो किसके कुल है 100 के। इसका मतलब क्या हो गया, तो दोनों की 1000 टर्म थी, उनका डिफरेंस भी क्या है 100 ही आया है, और यही आपने निकालना था। तो कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी बच्चों, इसमें है, इसमें कंक्लूजन यही है कि अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर दो एपी है तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जो डिफरेंस उनका फर्स्ट टर्म का रहेगा वही डिफरेंस उसका हर एक टर्म का रहेगा। फर्स्ट टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो जो 100 टर्म है उनका डिफरेंस भी 100 आएगा, और जो 1000 टर्म है उनका डिफरेंस भी 100 ही आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के कुल कितने नंबर हैं? क्वेश्चन नंबर 13। इन्होंने ये कहा कि 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर हैं? तो 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट का नंबर, 1 सबसे छोटा नंबर ये 100 होता है, इसको 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर आएगा 2, तो इसमें 5 ऐड करें, यानी जो सबसे पहला नंबर होगा जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा वो होगा 105। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो 7 से डिवाइड हो। 7 1 7 3 5 7 5 35। आप चाहे तो एक एक नंबर को डिवाइड करके देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने यही आइडिया लगाया है, जब 100 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा। अब 2 में क्या ऐड किया जाए कि ये 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, 5, ताकि 2 प्लस 5 7, 7 को 7 से डिवाइड करोगे खत्म हो जाएगा, इसमें भी हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिवाइड हो रहा है 105 से स्टार्टिंग करेंगे, इसके बाद इसमें 7 ऐड कीजिए 112 119 एंड अप टू 100। ये सारे ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, और सारे के सारे नंबर कौन से हैं 3 डिजिट के। अब सबसे लास्ट नंबर कौन सा आएगा जो 7 से डिवाइड हो 3 डिजिट वाला? 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आपने रफली चेक करना है, ये 999 होता है, डिवाइड कीजिए 7 से, 7 1 7 2 9 7 4 28, 1 9 7 2 14 5, रिमाइंडर है तो 5 को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो वो नंबर 7 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लास्ट नंबर आएगा 999 4 994। तो ये नंबर है जो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है 3 डिजिट का। तो एक तरह से आपके पास ये सीक्वेंस है, और क्वेश्चन ये पूछा गया है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर है, यानी आपने इन नंबर्स की काउंटिंग निकालनी है। तो आपने क्या निकालना है, इन नंबर्स की काउंटिंग यहाँ पे, यानी नंबर ऑफ, हम एपी की लैंग्वेज में कहें तो हमने क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स आएंगे। तो यहाँ पे ए कितना है आपका 105, बी कितना है a2 - a1 112 - 105, तो डी आपका आएगा 7, लास्ट वाली टर्म को एन मान लीजिए, एन इज इक्वल टू 994। नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, यानी आपने एन की वैल्यू निकालनी है, एन का फॉर्मूला यूज करें, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। ए की वैल्यू करें 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 994। 105 प्लस का उधर जाके माइनस का, दिस इंप्लाइज 7 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 994 माइनस 105, ये आपका आ जाएगा 14 - 5 9 8, 9 - 1 8 8 89, 7 into n - 1, 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में
दिस इंप्लाइज एन माइनस वन इज इक्वल टू 889 डिवाइड बाय 7, कैंसिल आउट कीजिए, 7 × 7 = 118, 7 × 14 = 4, 9 = 49, 7 × 7 = 49, तो 127 पे कैंसिल हो जाएगा ये, 1 माइनस का तो जाके प्लस का, दिस इंप्लाइज एन इज इक्वल टू 127 प्लस 1 इंप्लाइज एन इज इक्वल टू 128। तो आपने बच्चों क्या निकालना था, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 3 डिजिट वाले 7 से डिवाइड होने वाले टोटल कितने नंबर है, तो कितना आया 128। तो जिस क्वेश्चन में, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है उसी लैंग्वेज में आप उसका आंसर देंगे। क्या लिखेंगे, 10 देर आर 128 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 7। 10 देर आर 128 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 7। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं रिपोर्ट इसको क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट पढ़े, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह है, मल्टीपल किसके चाहिए आपको 4 के और किसके बीच में 10 and 250 के बीच में। तो सबसे पहला मल्टीपल कौन सा आएगा आपका, जो आपने सीक्वेंस निकालनी है 12 से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि सबसे पहला नंबर यही है जो 4 से डिवाइड होता है। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 24, 200, लास्ट वाला नंबर जो 250 से छोटा है और 4 से डिवाइड होता है। 250 को 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 4 6 = 24, 1 0 4 = 8, रिमाइंडर आ रहा है 2, तो 2 को 250 में से माइनस कर दें, तो लास्ट वाला नंबर जो आपका 4 से डिवाइड होगा वो होगा 248। तो इन्होंने क्या पूछा है कि 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले टोटल कितने नंबर हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया है, आपने इसमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो यहाँ पे ए क्या है, हियर A is equal to 12, D is equal to 16 minus 12 is equal to 4. तो लास्ट वाले टर्म को n मान लेते हैं, लेट n is equal to 248 फॉर्मूला यूज करें, देन a plus n minus 1 into d is equal to 248 implies a की वैल्यू करें, 12 plus n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपकी 4 है इज इक्वल टू 248, 12 प्लस कर दो जाके माइनस का, दिस इंप्लाइज 4 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 248 माइनस 12 इंप्लाइज
4 into n minus 1 is equal to 248 में से 12 को माइनस करो तो आएगा 236. 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइड बाय 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ये 4 5 20 3 36 9 पे 59 दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 इंप्लाइज n इज इक्वल टू 60. आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी तो जिस लैंग्वेज में आंसर क्वेश्चन पूछा गया है उसी लैंग्वेज में आंसर देंगे. सो नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 10 एंड 250 विच आर डिविजिबल बाय 4 is 60. तो 10 और 250 के बीच में जो नंबर 4 से डिवाइड होते हैं वो टोटल कितने हैं 60. तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. डिटरमाइन द एपी सॉरी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इक्वल. दो एपी दे रखी हैं, दोनों की nth टर्म इक्वल दे रखी है तो आपने वैल्यू किसकी निकालनी है n की. तो आपके पास दो एपी कौन कौन सी है. पहले वाली है 63, 65, 67. और सेकंड वाली एपी कौन सी है 3, 10, 17. ये पहले वाली एपी है और ये सेकंड एपी. आपने ये बताना है कि अगर इन दोनों की एन की किस वैल्यू के लिए इन दोनों की nth टर्म इक्वल होंगी. तो क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करते हैं हम. यहाँ पे दो एपीज हैं, पहले वाली एपी की nth टर्म को n मान लेते हैं और दूसरे वाली एपी की nth टर्म को n डैश मान लेते हैं. लेट लिख लेते हैं लेट a कोमा d कोमा an be the first term common difference and nth term of first AP and second AP वाले को dash लगा देते हैं यहाँ पे a dash comma d dash comma an dash be the first term comma common difference and nth term of second AP. अब यहां से अकॉर्डिंग टू नाउ अब ए पहले वाली एपी फर्स्ट टर्म है तो ए क्या है आपका 63. डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस पहले वाली एपी का तो 65 माइनस 63 दैट मींस डी है आपका 2 और एन भी लिख लेते हैं. ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वैल्यू पुट करते हैं इज इक्वल टू 63 प्लस डी का वैल्यू 2 इंटू एन माइनस वन. अब ये तीन टर्म्स भी लिख लेते हैं. नाउ ए डैश इज इक्वल टू 3 कॉमा डी डैश इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन 10 माइनस 3 7 और इसकी nth टर्म भी लिख लेते हैं एन डैश ए डैश प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैश. फॉर्मूला सेम रहेगा
सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चेंज होंगे जो हमने आपने यहाँ पे माने हैं। ए डैश कितना आपका 3 प्लस डी डैश की वैल्यू 7 इंटू एन माइनस 1। अब यहाँ पे लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इन दोनों एपीज की nth टर्म सेम है पहले बार, यानी ए एन इज इक्वल टू ए एन डैश, इसकी भी nth टर्म और सेकंड वाली एपी की भी nth टर्म दोनों क्या है सेम, आपने n की वैल्यू निकाल ली है। अब ए एन की वैल्यू पुट करें यहाँ से 63 प्लस 2 इंटू एन माइनस 1, ए एन डैश की वैल्यू पुट करें इज इक्वल टू 3 प्लस 7 इंटू एन माइनस 1, कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ से इंप्लाई 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, इंप्लाइज यहाँ से 2n 63 माइनस 2 प्लस का 61 इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस का 4 प्लस का 7n यहाँ से क्या करेंगे हम n वाली टर्म उधर ले जाए 4 को इधर ले आए, सो 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस का 2n, 4 माइनस का इधर आके प्लस का 2n प्लस का उधर आके माइनस का, इंप्लाइज यहाँ से 5n की वैल्यू आएगी आपकी 65 और n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 65 डिवाइड बाय 5 कैंसिल आउट हो गए 30। तो आपने ये बताना था इन दोनों एपीज की कौन सी टर्म इक्वल होंगी, तो इनकी 13 टर्म इक्वल होगी। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, दस द 13 टर्म ऑफ द टू गिवन एपीज आर इक्वल। तो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया है उसी लैंग्वेज में आंसर दे दें, दस द 13 टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।